कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तरुण कृष्ण धार्मिक ब्लॉग्स पर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये रहने वाला प्रेम मंदिर पर वृंदावन का काफी फेमस मंदिर है। यहाँ मैं आज आपको दर्शन करवाने वाला हूँ, साथ ही मैं आगे पूरी जानकारी दूंगा मंदिर कहाँ पर है। कहीं दूर से आप आ रहे हो, रेल के द्वारा, बस के द्वारा, आप कैसे आ सकते हो, मंदिर का समय क्या रहने वाला है। मंदिर में यहाँ पर शाम को जो है लेजर लाइट शो होता है, म्यूजिक फाउंटेन्स वाला शो, वो उसके बारे में बताऊंगा, कितने बजे होता है, मंदिर की टाइमिंग बताऊंगा और पूरे मंदिर के फिर दर्शन करवाऊंगा। तो आइए यहाँ की पूरी जानकारी ले लेते हैं और फिर मंदिर में दर्शन भी करेंगे। दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वृंदावन में आना चाह रहे हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने, तो आप कैसे आ सकते हैं। तो भाई आपको सबसे पहले आना होगा, अगर आप रेल के द्वारा आना चाह रहे हो तो आप आ सकते हैं मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन भाई एकमात्र यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिसके द्वारा आप आ सकते हैं। मथुरा जंक्शन अब अगर आप आते हो तो मथुरा से वृंदावन की दूरी रह जाती है 14 किलोमीटर की। अगर आप बस के द्वारा आना चाह रहे हो तो बस के द्वारा भी आप आ सकते हो। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आप बस के द्वारा आ रहे हो कौन कौन सी बस कहाँ से मिलती है। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये रहने वाला है मथुरा का बस स्टैंड। यहाँ से आपको कई जगह की मतलब बसें मिल जाएंगी, जैसे कि फिरोजाबाद हो गया, मथुरा हो गया, मतलब मथुरा तो है ही, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, बरेली हो गया, तो इन सब जगहों की बस यहाँ से आपको मिल जाएगी। सामने देख सकते हो बल्लभगढ़ लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली के पास जो है हरियाणा में, ये आप देख सकते हो, यहाँ यहाँ की आपको बस यहाँ से मिल जाती है। बाकी यहीं से बस आपको मिल जाती है बरसाना के लिए, वृंदावन के लिए और गोवर्धन के लिए। ये आप सामने देख रहे हो, ये बस जो है ये जा रही है आगरा, यहाँ से अलीगढ़ भी जा रही है ये बस। बाकी ये वाली जा रही है फिरोजाबाद, वो वाली जा रही है बल्लभगढ़। बाकी वृंदावन की बसें वहाँ खड़ी हुई हैं, वो जो है एसी बस है जो कि योगी जी ने स्टार्ट करी थी ना 2-3 साल पहले, तो वो बस है, तो वहाँ वो एसी वाली बस खड़ी है। रेलवे स्टेशन से ये जगह जो है ना, बस स्टैंड जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने बोर्ड भी लगा है रेलवे स्टेशन का, ये देखो, तो 1 किलोमीटर दूरी ही है यहाँ से रेलवे स्टेशन। बाकी लखनऊ के लिए भी मिल जाएगी यहाँ से बस। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है बसों के बारे में, अगर बस के द्वारा आप आना चाह रहे हो तो कैसे आप आ सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लो मथुरा जंक्शन आ रहे हो या फिर मथुरा के बस स्टैंड आ रहे हो, इन दोनों मतलब जो दूरी है ना 1 किलोमीटर की रहने वाली है। मथुरा का रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की दूरी है 1 किलोमीटर की। तो मथुरा के बस स्टैंड से आपको बस मिल जाती है एसी वाली बस, जो कि योगी जी ने स्टार्ट करी है, उससे आप जा सकते हैं भाई वृंदावन। वृंदावन की ये बस होती है, इसमें बैठ के आप जाओगे तो लगभग 40 मिनट में आपको ये बस वृंदावन उतार देती है। वृंदावन आपको उधर जाना है छट्टीकरा रोड पर, छट्टीकरा रोड के पास आप उतरोगे तो वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाता है, बैटरी वाले रिक्शा होते हैं जिसको यहाँ पे टमटम भी बोला जाता है, टर्री भी बोला जाता है। तो इसमें बैठ के आप जा सकते हैं यहाँ से प्रेम मंदिर। छट्टीकरा रोड से आपको रिक्शा मिल जाता है, जहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा होगा मेरो वृंदावन, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा और आप आसानी से प्रेम मंदिर जा सकते हैं। तो वही मैंने आपको मंदिर की जानकारी दे दी है कि लोकेशन क्या रहने वाली, कहाँ पर रहने वाला है मंदिर, रेल के द्वारा कैसे आ सकते हो, बस के द्वारा कैसे आ सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। कुछ अगर आपको अभी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, DM करके पूछ सकते हो। तो मंदिर के समय की अगर बात करें, मंदिर सुबह 8:30 बजे खुलता है और दोपहर में 12:30 तक खुला रहता है। उसके बाद मंदिर भाई 12:30 बजे बंद हो जाता है दोपहर में, शाम को 4:30 बजे तक बंद रहता है, फिर 4:30 बजे खुलता है और रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है। और जो यहाँ पे फाउंटेन शो होता है ना, वो 7:30 बजे चालू हो जाता है अंदर। तो आइए अब अंदर चलते हैं। बैग वगैरह अलाउड नहीं होता, कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता, सब कुछ बताता हूँ आपको अंदर चल के। यहाँ सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ से एंट्री रहने वाली है प्रेम मंदिर की, और यहीं सामने आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये देखो, ये सामने रहने वाली है पार्किंग, बाकी वहाँ भी है पार्किंग, बाकी वहाँ थोड़ा आगे जाकर ही पार्किंग, मतलब काफ़ी सारी पार्किंग बनाई हुई है। मंदिर में भी बैग अलाउड नहीं है, इतना बड़ा बैग आप देख रहे हो ना, तो बड़ा बैग अलाउड नहीं है। और मंदिर का कोई क्लॉक रूम भी नहीं है, तो बाहर आपको किसी बाहर देखना पड़ेगा, क्लॉक रूम वगैरह वहाँ पे अपना बैग रखना पड़ेगा। तो भाई क्लॉक रूम यहाँ पे मंदिर का तो कोई नहीं है, यहीं बाहर हम देख रहे हैं प्राइवेट, मतलब अलग से एक क्लॉक रूम। कितने रुपये होंगे भैया उसके? 20 रुपये। 20 रुपये बता रहे हैं यहाँ पर एक बैग के ये रखने के। ये देखो, तो बैग भी रख दिया है क्लॉक रूम में, 20 रुपये लिए हैं इन्होंने। चप्पल अंदर उतार सकते हैं, मतलब यहाँ पहन सकते हैं चप्पल नॉर्मल जगह पर, बाकी जो मेन मंदिर है ना वहाँ पर चप्पल अलाउड नहीं है, उसके लिए इन्होंने व्यवस्था करी है, वहाँ पे हम चप्पल रख सकते हैं। तो भाई मंदिर के अंदर मैं आ गया, मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ के बारे में दे दी है। कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना सनातन धर्म की ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। पूरे भारतवर्ष में मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और सारी जानकारी भी देता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसे आप मंदिर में आओगे ना, आपको ये नज़ारा सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर चप्पल देखो, यहाँ पे पहन सकते हो। जो मेन मंदिर है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको चप्पल जमा करवानी पड़ेगी, यहाँ तो पहन सकते हैं। ये देखो भाई, कालियानाट के ऊपर कृष्ण जी लीला करते हुए। रात में क्या होता है ना, लाइटिंग कर दी जाती है, बहुत सुंदर लाइट होती है यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है। और मंदिर में भाई अलग अलग लाइटें जलती हैं रात में, कभी पिंक, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो भाई ये तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा, मंदिर के बारे में बता देता हूँ। मंदिर को जो है कृपालु जी महाराज जी ने बनवाया है,
भाई बहुत ही सुंदर उनके भजन भी होते हैं, मेरी प्यारी बरसाने वाली प्यारी 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 मतलब उनके भजन है ये प्रेम मंदिर। जितना सुंदर ये बाहर से लग रहा है ना, अंदर से इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। अंदर वीडियो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अंदर आप जाओगे ना तो भाई खो ही जाओगे, इतनी सुंदरता है अंदर। देखो वहाँ मोर बनाया हुआ है, मतलब सारे लोग यहाँ के फ़ोटो क्लिक करते हैं, इतना सुंदर है ये। ये देखो कमल का फूल बनाया है, ये देखो सखियाँ बनाई हैं, मोर हैं, वो देखो कृष्ण राधा सखियाँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आगे सामने मंदिर, ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, सारे में लीलाएँ देख सकते हैं, झांकियां देख सकते हैं। रात में फाउंटेन शो कहाँ पर होता है 7:30 बजे, वो भी दिखाता हूँ आपको चल के। यहाँ पे कृपालु जी महाराज जी के बारे में सब कुछ बताया है। मेरी प्यारी 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 बरसाने वाली, देखो छोटा सा वहाँ पे झरना बनाया है। तो अब तो कृपालु जी महाराज जी नहीं है वैसे, निर्माण की झांकियाँ देखो जब बनाया जा रहा था मंदिर कैसा था। तो यहाँ पर मंदिर का नज़ारा, बाकी यहाँ देख सकते हैं प्रेम मंदिर की अद्भुत विशेषताएँ। क्या क्या विशेषताएँ प्रेम मंदिर के, निर्माण में 30,000 टन आयातित इटालियन करारा मार्बल का प्रयोग किया गया है। प्रेम मंदिर का संपूर्ण परिसर लगभग 54 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है, देख सकते हैं पूरा प्रेम मंदिर की विशेषताएँ लिखी हैं यहाँ पर। बाकी कुछ अंदर के दृश्य भी दिखाए हैं, ये देखो पत्थर पूरा यहाँ पे जो यूज़ करा गया है मंदिर को बनाने में। कलश यात्रा व मंदिर प्रशांचल, शोभा यात्रा व विग्रह की पूजा अर्चना, प्रेम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। जगतगुरु कृपालु जी महाराज जी के द्वारा प्रेम मंदिर का विलक्षण नाम और उसका रहस्य है। अच्छा मतलब क्यों प्रेम मंदिर नाम रखा, प्रेम वेद ने बताया या तो याद नाम प्रेम मंदिर धराया। देखो क्यों इन्होंने प्रेम मंदिर नाम दिया था इस जगह को, ये लिखा है यहाँ पर। प्रेम मंदिर में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज का ऐतिहासिक प्रवचन, वहाँ पे और झांकियाँ हम देख सकते हैं उस साइड। ये देखो इन्होंने छतरी लिया, उस पर भी लिखा हुआ है राधे राधे जगतगुरु कृपालु परिषद। रात में जो है ना तब ये वाली जगह खोल देते हैं, जब फाउंटेन शो होता है ना वहाँ पीछे होता है फाउंटेन शो। फिलहाल तो बंद है यहाँ पर ये जगह, क्योंकि फाउंटेन शो रात में होता है तो तभी खोलते हैं इस जगह को। तो पीछे वाली झांकियाँ तो फिलहाल मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको। यहाँ देखो कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ गौ चराते हुए, ये देखो पीछे की झांकियाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि बंद करा हुआ एरिया, रात में खोलते हैं। ये देखो हिरन वगैरह गौ माता, वहाँ देखो पीछे भी कितनी अच्छी झांकी बनाई है। ये पीछे आप ये वाला एरिया देख रहे हो ना, यहाँ होता है फाउंटेन शो ये। तो भाई वृंदावन अगर पहली बार आने की सोच रहे हो ना तो प्रेम मंदिर आना तो बिल्कुल बनता है भाई। वृंदावन के सबसे सुंदर मंदिर में से एक मंदिर ये है, बल्कि टॉप पर आता है सुंदर मंदिर में। तो यहाँ पे देखो सामने लीलाएं दिखाई हुई है कृष्ण जी की, माखन चोरी करा उसके बाद खा रहे हैं सारे बैठ के, देखो मिल बांट के। ये देखो आइए आगे और लीलाएं दिखाता हूँ। वह गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण जी हैं, दिखाऊंगा वो अभी। यहाँ देखो रासलीला करते हुए गोपियों के साथ सखियों के साथ। वहाँ पे भोले बाबा हैं, अभी जाऊंगा उस साइड तक दिखाऊंगा। ये तो गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को। वहाँ पे देखो ये फूड कोर्ट भी बनाया है, युगल विहार उपहार गृह। ये देखो भाई म्यूजिकल फाउंटेन की टाइमिंग देख सकते हो आप यहाँ पर, गर्मी में क्या रहने वाली है सर्दी में क्या रहने वाली है। गर्मी में रहेगी भाई शाम को 7:30 से 8 बजे तक, यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और विंटर में रहेगी 7 से 7:30, यानी कि आधा घंटा कम हो गया है। नहीं नहीं पहले कर दिया आधा घंटा। बाकी मंदिर के बारे में सारे टाइम लिखा हुआ है, आरती कितने बजे होती है, भोग कितने बजे लगता है, शयन आरती, पटबंध कितने बजे होते हैं, 8:30 बजे पटबंध हो जाते हैं। देखो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण अर्जुन। फूड कोर्ट में चल के आपको मेन्यू भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, कितने में क्या मिलेगा, चलते हैं अंदर देखते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे दही बड़ा रहने वाला है 100 रुपये, राज कचौड़ी रहेगी 120 रुपये, चाट पापड़ी 100 रुपये, और देखते हैं यहाँ पर चॉकलेट से 1.90,
और एक है चीज़ी पिज़्ज़ा, वैस पिज़्ज़ा 300, कोल्ड कॉफ़ी 90। अंदाज़ा लगा सकते हैं सही आप क्या रहने वाले रेट यहाँ पर। तो यहाँ फूड कोर्ट से मैं बाहर आ गया, यहाँ पे देखो ये मैं दिखाना ही भूल गया, ऊपर कौन बैठा, देखो बैठा नहीं, खड़े हनुमान जी खड़े देखो ऊपर। आइए चलते हैं आगे और दृश्य दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं। प्रेम मंदिर भाई आने की सोच रहे हो तो रात में ही प्लान करना, लेकिन टाइम से आ जाना, ये नहीं कि भाई मंदिर बंद होने वाला तब आप आ रहे हो, गेट बंद कर देते हैं टाइम से बिल्कुल। रात में आओगे इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा, फिलहाल थोड़ी गर्मी भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, बट रात में ऐसा नहीं होगा, इतना सुंदर नज़ारा होगा दिल खुश हो जाएगा आपका। आइए गोवर्धन पर्वत दिखाता हूँ वहाँ चल के, फिर मैं अंदर भी जाऊँगा, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो अंदर तो मैं नहीं दिखाऊँगा भाई, जो चीज़ अलाउड नहीं है वो करनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो सामने भोले बाबा हैं, कैंटीन तो मैंने आपको दिखा दी, फूड कोर्ट जो था, टॉयलेट वगैरह भी यहाँ पर हैगा। देखो आगे हिरण लगे हुए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी हैं पीछे सिंहासन पे। ये देखो भाई यहाँ पर कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृपाल नहीं कृष्णा लिखा है, नहीं कृपालु लिखा है, हाँ कृपालु लिखा है। बाकी वहाँ पीछे बाल गोपाल सारे, यहाँ पे कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। जन्माष्टमी पर यहाँ पे और झांकियाँ भी लगाई जाती हैं भाई, पूतना वगैरह। बाकी भाई यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे राधा जी और सखी हैं, वहाँ पर भी राधा जी और सखी, यहाँ पर हाथी लगाए हैं एक, ये एक यहाँ सामने, ये छतरी लेके खड़े हैं यहाँ पर। बाकी सामने देख सकते हैं प्रेम मंदिर, आइए अंदर चलते हैं। अब कुछ झांकियाँ ना वहाँ पर भी हैं, ये देखो ये पूरा एरिया देख रहे हो ना, जन्माष्टमी के लिए झांकियाँ लगाई जा रही हैं, फिलहाल वो वाला एरिया बंद कर रखा है, जन्माष्टमी में खोलेंगे उस वाले एरिया को। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए, चप्पल उतार ली है, ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म है भाई, तवे की तरह गर्म है ज़मीन, सहन कर रहा हूँ तो यार जल्दी यार जल्दी चलो भाई। ये देखो सारे लोग सहन कर रहे हैं भाई फ़ोटो खींचने के लिए। अरे यहाँ ऊपर ठंडा है भाई, यहाँ ऊपर का अलग कोई फर्ज है, ठंडा बिल्कुल नीचे लगता है, यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, कुछ नहीं हो रहा। ये बढ़िया यार, दूसरे जो हाँ लिखा था ना पीछे कि ये पत्थर का इस्तेमाल करा गया है, इटालियन पत्थर है ये, बिल्कुल ठंडा भाई साहब। ये देखो इसको बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठंडा है पत्थर, देखो कितना आराम से लोग चल रहे हैं इसके ऊपर यार। ये बढ़िया पत्थर यार, कुछ नहीं हो रहा यार इसके ऊपर इतनी धूप में भी। देखो यहाँ पर लड़िया वगैरह लगाई जा रही हैं, ये देखो जन्माष्टमी की तैयारी की जा रही है। चलो भाई चलते हैं अंदर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो भाई हुआ है मैं मंदिर के अंदर से, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता भाई। मेरा मन हो रहा था वीडियो बनाऊं आपको दिखाऊं, बट नहीं यार, यहीं पर आओ और उस चीज़ को देखो। और सीरियसली भाई राधा कृष्ण इतने ज़्यादा सुंदर, देखोगे ना खो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। आओ भाई और देखो, अंदर आओ दर्शन करो, सीरियसली बता रहा हूँ, खो जाओगे अंदर आके। अभी तो भाई मैं इस समय आया हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, जन्माष्टमी आने वाली है तो अभी भीड़ है नहीं, अगर जन्माष्टमी आ जाएगी तब होगी भीड़, अभी भीड़ नहीं है यहाँ पर इतनी, जन्माष्टमी के एक दो दिन पहले से दबादा भीड़ होएगी। तो फटाफट आओ और दर्शन करो भाई, इतना। और बीच में झालर लगाई है भाई साहब, कितनी सुंदर झालर, और कलाकृति जो की गई है ना, और इतनी बढ़िया कलाकृति, एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से मतलब करा गया है। ये देखो यहाँ पर तो बना सकते हैं वीडियो, अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ तो बना सकते हैं। देखो यहाँ पर यहीं से मैं थोड़ी कलाकृति दिखा देता हूँ, अरे यहाँ से भी दिख रहा है अंदर का व्यू, तो गेट खुले हुए हैं देखो, ये देखो यहीं से थोड़ा दिखाऊं, ये देखो बाकी ज़्यादा नहीं दिखा रहा मैं, यहीं पे आके देखना। यहाँ देखो राधा कृष्ण, ये देखो कितना बारीकी से काम किया गया है भाई, ये देखो ये तो कुछ भी नहीं अंदर, एक 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 से एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, मोर वगैरह पता नहीं क्या क्या, इतना सुंदर भाई। मतलब मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन पहले ना हमेशा भीड़ के टाइम पर मैं आया हूँ, या तो रविवार शनिवार को आया हूँ, या फिर क्या है मतलब त्यौहार के समय आया हूँ एकादशी वगैरह, तो भीड़ मिली है हमेशा, तो मैं आराम से देख ही नहीं पाया कभी। आज पहली बार मैंने शांति से देखा, और इतना ज़्यादा बारीक काम है, इतना सुंदर है सीरियसली। देखो ये जन्माष्टमी के लिए तैयारी की जा रही है। तो भाई मंदिर के चारों ओर अगर आप घूमें ना, तो इतना सुंदर है मंदिर, अंदर से तो है ही सुंदर, बाकी बाहर से बहुत ज़्यादा। मंदिर की दीवारों पर चारों ओर ना वो कृष्ण लीला दिखाई गई है पूरी, अगर आप मंदिर के अंदर भी ना जाएं, बार बार से देखें ना, तो पूरी कृष्ण लीला आपको समझ में आएगी। ज़्यादातर लोग जो है ना फोटो शूट भी लगे हुए हैं। यहाँ जो है झांकियाँ लगाई जाएंगी, जैसे पूतना का वध करते हुए,
यहाँ पे सारे भी मतलब झांकी आएंगी अभी जन्माष्टमी के टाइम पर, फिलहाल तो नहीं है, अभी तैयारियाँ की जा रही हैं, मतलब बन भी की होगी ना तो भी इसको खोलेंगे नहीं, अभी जन्माष्टमी पर ही खोलेंगे। बाकी यहाँ देख सकते हैं पूरी जो होती है रोबोटिक होती है झांकियाँ, चलती हैं मतलब ये झांकी, बस खड़ी नहीं रहती मूर्ति की तरह, चलती भी है, जैसे झूला है ना झूला आगे पीछे चलेगा। यहाँ पर जो है ना एक झांकी खुली हुई है ये देखो, बट ये चालू नहीं है अभी, चल नहीं रही। बाकी यहाँ और भी झांकियाँ देखो, देख सकते हैं हम, ये पूतना वाली है, कौन सी है, शेषनाग वाली है, जब वो समुद्र मंथन होता है ना वो वाली झांकियाँ यहाँ पर बंद है, रोबोटिक है पूरी ये। चलो चलते हैं फिर बाहर। तो आप बाहर जाओगे ना जाते जाते भी आपको झांकी मिलेंगी, राधा कृष्ण देखो झूला झूल रहे हैं और साथ में यहाँ सखियाँ हैं सारी देखो गोपियाँ, तो और जाते जाते भी आपको झांकी देखने को मिलेगी। तो भाई प्रेम मंदिर से मैं बाहर आ गया, यहाँ देखो कितना प्यारा प्रेम मंदिर मिल रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा भाई साहब। तो भाई प्रेम मंदिर के मैंने आपको पूरे दर्शन करा दिया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना सनातन धर्म की ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे हो लिखा हुआ है प्रया कांचू मंदिर, फिलहाल मैं आ चुका हूँ प्रया कांचू मंदिर। तो अगली ये वीडियो आपको मिलने वाली है हमारे चैनल पर, तो इस वीडियो के लिए आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद वंदे मातरम।